नमस्कार। कहते हैं राजनीति एक ऐसा दलदल है जिससे पार निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि कुछ नेता देश हित के लिए राजनीति में पकड़ बनाते हैं तो कुछ खुद के पद के लिए। यूपी चुनावों में जिस तरह से दल बदलने का सिलसिला देखा गया, फिर जिस तरह से धड़ाधड़ टिकटों का बंटवारा हुआ, उससे इस बात को और भी बल मिल गया कि राजनेता अपने फायदे के लिए बरसों पुरानी पार्टी को लात मार सकते हैं। हालांकि इसी फेरबदल में मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम भी जुड़ा। चुनावों के दौरान अपर्णा ने सपा का खेमा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि अपर्णा ने यह फैसला लेने के पीछे की वजह साफ की थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी में आई है, इससे इतर उनका कोई मकसद नहीं। जब उनसे सवाल हुआ योगी कैबिनेट में जगह मिलने को लेकर, तब भी वो यही बात दोहराती हुई नजर आई। बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे, प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी। कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी वो उम्मीद टूटी? राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ। सिंपल इज द थ्योरी। अपर्णा तो योगी कैबिनेट में शामिल होने और बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उन्हें अभी फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि लोगों ने अब अपर्णा पर एक साथ कई सवाल दाग दिए हैं। दरअसल हाल ही में बीजेपी ने MLC चुनावों के लिए 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें भी अपर्णा का नाम नहीं है। इन सभी प्रत्याशियों को अपर्णा ने बधाई देते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी द्विवार्षिक विधान परिषद चुनाव हेतु घोषित सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपर्णा के इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने कह दिया कि हमें उम्मीद थी कि आप भी राज्य मंत्री बनेंगी, हम बीजेपी के इस फैसले से बहुत निराश हैं। तो वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग तक कर डाली। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया कि मैम अब तक आपको बीजेपी ने क्या दिया है और आगे क्या देने जा रही है। एक यूजर ने तो अपर्णा को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए लिख दिया, आपका भी नाम होना चाहिए था, हम लोग तो उप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, शपथ के समय का इंतजार है, भाजपा कुछ अच्छा सोच रही होगी। एक दूसरे यूजर ने लिख दिया, व्हाट अबाउट यू मैम, आई एक्सपेक्टेड यू टू जॉइन द योगी कैबिनेट। तो देखा आपने किस तरह से लोग अपर्णा को कोई भी बड़ी पोजीशन ना मिलने से नाराज दिख रही हैं। आपको बता दें, जिस वक्त अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन की थी उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर खबर आई कि उन्हें मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब चूंकि MLC लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो ऐसे में योगी कैबिनेट में जगह मिलना भी मुमकिन नहीं लग रहा है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।